नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के पहले यूनिट समावेशी शिक्षा में से समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा योजना को वर्तमान समय में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सभी उद्देश्यों को समाहित किया गया है जो विशेष प्रकार के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः समावेशित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला उद्देश्य है इसका, समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य असक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा अधिगम स्तर को उच्च बना सके। दूसरा है, समावेशित शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक असक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है। इन प्रतिभाओं के विकास हेतु समावेशित शिक्षा में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तीसरा उद्देश्य है इसका, समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं का निराकरण करना है। ये बाधाएं पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधि एवं समुदाय आदि से संबंधित हो सकती हैं। समावेशित शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाता है। चौथा उद्देश्य है इसका, समावेशित शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं असक्षमता से ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पांचवा उद्देश्य है, समावेशित शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र यानी सामुदायिक तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। छठवां उद्देश्य है इसका, शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है कि असक्षमता से युक्त बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है तथा उनका शिक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित शिक्षा के अनुरूप शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। सातवां उद्देश्य है इसका, मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि असक्षम छात्रों की भावनाओं को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे, क्योंकि एक बार असक्षमता से युक्त बालक का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाता है तो उसको पुनः केंद्रित करने में कठिनाई होती है। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया मित्रतापूर्ण एवं सकारात्मक होनी चाहिए। आठवां उद्देश्य है इसका, समावेशित शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। इसके लिए छात्रों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। नौवां उद्देश्य है इसका, इसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात जो बालक 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार की असक्षमता पाई जाती है, जो उसको ज्ञात करके उसके अनुसार इस प्रकार के बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। दसवां उद्देश्य है इसका, इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए विद्यालयी शिक्षा के मार्ग से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसमें छात्रों के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था करके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का कार्य किया जाता है। 11वां उद्देश्य है इसका, जो व्यक्ति 14 से 21 वर्ष की आयु के हैं तथा किन्हीं कारणों से वह शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए हैं परंतु उनमें अनेक प्रतिभाएं विद्यमान हैं, ऐसे छात्रों को
उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना भी समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यदि एक नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप एक वाक्य में इसका उत्तर दे दीजिएगा। अगर दो नंबर का पूछा जाता है तो 30 शब्दों में, इससे अधिक का पूछा जाता है तो जो भी शब्द सीमा होगी उस हिसाब से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। यहाँ पे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया गया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व एवं विशेषताएं अन्य वीडियोस में बताई हुई हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, तो इन्हें पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।